जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सर के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि इलाज के पैसों के बदले में इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या अस्मिता रविंद्र मजूमदार की जान बचाने के लिए शान की इस नफरत भरी शादी की शर्त को कबूल करेगी या नहीं? भाई, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसे मैंने दिए। इनफैक्ट ऐसा लगना चाहिए कि आरएम सर की किसी शुभ चिंतक ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए। मैं जान चुकी हूँ, शान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, उसकी नफरत को मैं प्यार में बदल दूंगी। प्रण है मेरा। अस्मिता की जिंदगी में फिर दस्तक दे रहे हैं उसके अतीत के पन्ने। कैसे सामना करेगी अस्मिता अपने अतीत से, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सब मिस कर दिया था। कड़वाहट आ गए जो मेरे लिए तुम्हारे दिल पे थी। पर ये तुमसे नफरत नहीं करता। बड़ी प्यार और दोस्ती की आग भड़क रही है अस्मिता। शान को हम आपकी जिंदगी में वापस नहीं आने देंगे। कल का दिन शान की जिंदगी में अस्मिता की यादों का आखिरी दिन होगा। सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा। जा 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 जा।
थैंक यू। मदहोशी की हालत में ही सही, लेकिन आज भाई भाभी अपने दिल की बात तो कर लेंगे। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम। ये एक माँ का बदला है शान, अपने बेटे की तबाही का बदला। जिस प्रेम कहानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज हम उसे मार डालेंगे। आपके दिमाग, आपके जहन से मिटा देंगे उसे। अब से तुम्हारी ड्यूटी मेरे पास। ध्यान से पढ़ो, कमिश्नर साहब की चिट्ठी है। मेरे यहाँ हीरे की चोरी हुई है, इसलिए मेरी जान को भी तो खतरा है ना। मुग्धा का पता चल गया है सर, वो लड़की पागल नहीं है सर। उसे जबरदस्ती इंजेक्शन देकर पागल बनाकर हॉस्पिटल में रखा हुआ है सर। यानी मुग्धा का बयान तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा, कमिश्नर सर का दिया गया ऑर्डर है। मेरे पास एक प्लान है। आपका ब्लड सैंपल ले लेती हूँ। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको हुआ क्या है। मैम ये लो रिपोर्ट मैम। थैंक यू। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, दी प्रेग्नेंट है। ऑर्डर दे दिया कि प्रीता और उसकी माँ को हॉस्पिटल में घुस के मार डाले। इसी भी वो प्रीता को मेरे बारे में कुछ हद से ज्यादा ही पता है। पता था मुझे, सब कुछ पता था। जब प्राची मुझे उस हिल से धक्का देगी तो मैं चाहती हूँ तुम वो सब कैप्चर कर। Let's do one thing. तुम जाके प्राची को उस हिल के पास बुला के लाओ। वो आ गई। चल चल चुप जाके। रुखसती के दिन काजी साहब को दिल का दौरा पड़ा था। इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें किसी ने क्यों इस बात की खबर नहीं दी? जारा अपने अब्बा के इलाज के लिए जो रिपोर्ट्स लेने आई थी और कोई कमबख्त उसे हमारे घर में घुसने नहीं दिया। आपको इस बात की खबर थी अबू? जवाब दीजिए अबू। गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। दस मिनट का समय दिया था ना तुमने, पर 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए और गुड्डन ने अपने तीनों रिश्तों को बचा लिया। ले चलो से। गुड्डन, 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 आंखें खोलो, आंखें आंखें खोलो गुड्डन। नहीं गुड्डन, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। गुड्डन, क्या अपनों को बचाने के प्रयत्न से गुड्डन खो देगी अपनी जान? How dare you? Excuse me. तुम्हारे बाप का रोड नहीं है ये। बाप पे नहीं जाना बता रही हूँ, नहीं तो तेरा पूरा खानदान बिगाड़ दूंगी मैं। अगर मैंने नताशा मैम की हेल्प कर दी और उनको इस रायते से बचा लिया तो नौकरी तो देंगी ही देंगी, और थैंक यू बोलेंगी वो अलग।